हेलो दोस्तों, तो हफ्ते की लास्ट टेक न्यूज में आपका स्वागत है। वोडाफोन दे रहा है सिलेक्टेड यूजर्स को 1 GB डेटा फ्री में। साथ में आपको बताएंगे कि फेसबुक के बाद अब गूगल ने भी साफ कर दिया है पॉलिटिकल एड्स को लेके अपनी राय, और भी ढेर सारी टेक न्यूज होंगी इस हफ्ते की लास्ट टेक न्यूज में। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूँ अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जरूरी है बताना आपको गिव अवे के बारे में। 5K सब्सक्राइबर वाला गिव अवे चल रहा है, इसमें Redmi Note 9 के साथ में दूसरे प्राइजेस आप जीत सकते हैं। बस चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर देना है। आते हैं पोल सेगमेंट में। कल मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप लोग टीवी स्टिक का यूज करते हैं अपनी ऑर्डिनरी टीवी को स्मार्ट बनाने के लिए। 79% लोगों ने एक सुर में ना कहा है, जबकि 21% लोगों ने कहा है कि जब से लॉन्च हुई है टीवी स्टिक तब से वो इसका यूज कर रहे हैं। आते हैं आज के सवाल पर। आपको बताना है क्या आपको पॉलिटिकल एड्स सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पसंद हैं? जवाब देना मत भूलेगा। फटाफट से आ जाते हैं पहली न्यूज पर। फेसबुक के बाद गूगल ने भी आज कंफर्म कर दिया है कि वो 3 नवंबर के बाद से किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल एड अपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाएगा। दरअसल फेसबुक ने तो पहले ही इसको अनाउंस कर दिया था, और यूएस के अंदर लोगों का गुस्सा सोशल प्लेटफॉर्म से पे काफी तेजी से निकल रहा है पॉलिटिकल एड्स को लेके, और इसी वजह से गूगल ने भी अब यह फैसला लिया है। बाकी देखते हैं कि यूएस के बाद जो और भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि इंडिया भी आता है, वहां पर क्या ये कंपनियां पॉलिटिकल एड्स से ना करती हैं या क्या करती हैं, देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या निकल के आता है। है सबसे पॉपुलर ऑनलाइन गेम पबजी मोबाइल को लेके इंडिया में इसी महीने की शुरुआत में ये बैन हो चुका है, और पबजी कॉर्पोरेशन जो कि कोरियन कंपनी है उसने पब्लिशिंग राइट्स जो चाइनीज कंपनी टेंसेंट के पास थे वो भी विड्रॉ कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर से बैन इंडिया में फिलहाल तो हटता हुआ कोई भी आसार नहीं लग रहा है, जबकि खबरें लगातार आ रही हैं कि कंपनी जो ये पबजी कॉर्पोरेशन है वो दूसरी इंडियन कंपनीज के साथ में लगातार कॉन्टैक्ट बनाए हुए है ताकि वो इस गेम को वापस इंडिया में ला सके। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक उनको पूरी तरीके से इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है कि PUBG मोबाइल किसी भी तरह से इंडियंस यूज़र का डेटा बाहर नहीं ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जल्दी तो इसके बादल हटते हुए बैन के दिखाई नहीं दे रहे हैं। रियलमी ने नए स्मार्ट टीवी को लेके अनाउंसमेंट किया है कि वो इंडिया में अक्टूबर में करने जा रहा है नए SLED 4K स्मार्ट टीवी को लॉन्च, जो कि 2 डिस्प्ले साइजेस में 55 इंच और 65 इंच में लॉन्च हो सकता है। ये टीवी ऑर्डिनरी जो QLED टीवी या फिर LED टीवी होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है SLED। और ये जो टर्म है SLED, इस पे लेके हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप समझ सकें कि QLED के मुकाबले में SLED कितना अलग है और क्या ये बेहतर है या फिर QLED। बाकी देखते हैं उस वीडियो में आपको क्या मिलता है। खबर है वोडाफोन से। काफी लंबे समय के बाद वोडाफोन के लिए एक राहत की खबर आई है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट से। दरअसल एक टैक्स का मामला था 2007 का, जब हचसन को वोडाफोन ने खरीदा था, और उस समय 11,000 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का आरोप लगा था जो कि गवर्नमेंट इससे मांग रही थी। फिलहाल वो पैसा बढ़ते हुए 20,000 करोड़ रुपए हो चुका था, जिसको अब वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुना दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाकी जो वोडाफोन का खर्चा हुआ है इस केस को लड़ने में वो भी पैसा अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोडाफोन को अदा करेगी। यानी कि वोडाफोन के ऊपर से बहुत जो बोझ था एक मुसीबतों का वो थोड़ा सा ढलता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्केट में हो सकता है कि वोडाफोन तेजी से एक बार फिर से वापसी करते। खबर एक बार फिर से रियलमी की है। रियलमी का आपको पता है एंड्रॉइड 11 बेस्ड यूजर इंटरफेस रियलमी UI 2.0 अनाउंस हो चुका है। अब उसका टाइमलाइन चार्ट भी सामने आ गया है कि कब किस फोन पर यह अपडेट मिलने वाला है। इस महीने के जो कुछ 4-5 दिन बचे हैं उसमें आपको रियलमी X50 सीरीज के स्मार्टफोन्स पे यह अपडेट मिलेगा। बाद में अगले महीने के शुरुआत और मिड तक जाते जाते रियलमी नार्जो 20 सीरीज और साथ में 7 प्रो पर भी यह अपडेट मिल जाएगा, जबकि नवंबर में आपको रियलमी 6 और 7 सीरीज के साथ साथ नार्जो 10 सीरीज पर भी ये अपडेट मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप ये फोन यूज करते हैं तो अपडेट रेगुलर चेक करते रहिए।
खबर है गूगल के 5G फोन यानी कि पिक्सल 5 को लेके। काफी महीनों से यह फोन चर्चा में बना हुआ है, फाइनली इसकी डेट सामने आ गई है। 15 अक्टूबर को यह फोन ऑफिशियली लॉन्च होगा और जो अभी तक खबरें इसके साथ में जुड़ के आ रही थी कि पिक्सल 4a 5G वेरिएंट भी इसके साथ में लॉन्च हो सकता है, फिलहाल अभी उसकी कोई डिटेल सामने नहीं है। बताया जा रहा है कि वो नवंबर के लास्ट में या फिर इस साल के लास्ट में या फिर अगले साल तक भी जा सकता है। बाकी हकीकत कितना है ये तो अभी पता नहीं, देखते आने वाले दिनों में क्या क्या सामने आता है। अगली खबर है ZTE नूबिया स्मार्ट वॉच को लेके। जब ये चाइना में स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई थी उस समय काफी सुर्खियों में बनी हुई थी, फाइनली अब चाइना के बाहर दूसरे मुल्कों में भी ये मिलना शुरू हो जाएगी। खबर है कि 8 अक्टूबर के बाद में ये ग्लोबली शिप होना शुरू होगी और बाकी मुल्कों में भी अब ये मिल सकेगी। चाइना के अंदर तो ये $200 के आसपास तकरीबन प्राइस में लॉन्च की गई थी, फाइनली अब रेट सामने आए हैं कि जब ये ग्लोबली दूसरे कंट्रीज में मिलेगी तो शायद थोड़े प्राइस बढ़ सकते हैं, $220 के आसपास इसके प्राइस जा सकते हैं। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 16 से 16-17 हज़ार के आसपास इसकी प्राइस रहेगी। क्या ZTE इसे इंडिया में लेके आएगी, दोस्तों इस बात का इंतजार रहेगा। अगली खबर है सैमसंग ने एक बार फिर से इंडिया में अपने स्मार्टफोन्स के प्राइसेस को घटा दिया है। इस बार M सीरीज के स्मार्टफोन्स के प्राइस घटाए गए हैं जिनमें M01, M11, M31S शामिल है। ये घटे हुए प्राइस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर लागू होंगे। अगर M01 की बात करें तो अब जो नए प्राइस है वो 7,999 रुपए है। अगर M11 की बात करें तो अब इसके नए प्राइसेस 10,499 रुपए है और अगर M31S की बात करें तो ये 19,499 रुपए से इसकी रेंज की शुरुआत होती है, जो कि अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। और आज की लास्ट खबर है वोडाफोन से। वोडाफोन अपने उन डेड यूजर्स को एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा है जो कि ना तो कॉल कर रहे हैं ना डेटा यूज कर रहे हैं, मतलब एक तरह से डेड सिम पड़े हुए हैं। ऐसे यूजर्स को, ऐसे मतलब प्रीपेड यूजर्स को वोडाफोन अनाउंस किया है कि वो 1 GB डेटा 7 दिन के लिए हाई स्पीड देने जा रहा है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई डेड सिम वोडाफोन का पड़ा हुआ है तो आप उसको एक बार चेक कर सकते, हो सकता है कि आपको भी ये 1 GB हाई स्पीड डेटा 7 दिन की वैलिडिटी के साथ में मिल जाए। बाकी दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, और भी ढेर सारे टेक न्यूज अपडेट्स आपको आने वाले एपिसोड्स में लाते रहेंगे। बाकी दोस्तों कल देखते हैं टेक क्यूए में किस किस के सवाल को शामिल किया जाता है। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।